अद्भुत अद्भुत लब्धियां हैं सारी। अब सवाल जो समझने का है, प्रश्न कि ये किसी देवता की शक्ति थी या क्या था मामला? गौतम स्वामी ने जो इतने जरासी खीर से इतना कुछ कर दिया, प्रकट कर दिया, 1500 आदमियों को पर्याप्त भोजन दे दिया, ये किसी देवता का चमत्कार था या क्या था? यह बंधु देव चमत्कार भी होते हैं, उसको विद्या कहते हैं, जो देव के द्वारा देवाधिष्ठित हो। मंत्र वह जिसके द्वारा देवता काम करे उससे भी होता है ऐसा। और ये थी लब्धि होती है जो व्यक्ति की अपने आत्मा के द्वारा हो वो लब्धि है, देव के द्वारा हो वो विद्या है। ये लब्धि थी, समाप्ति नहीं हुई। बड़ी अद्भुत और विचित्र लब्धियां हैं सबकी सब। ये लब्धियां वर्तमान में आंशिक रूप में तो किसी संत महात्मा में, साधक में आज भी हो सकती आंशिक, वैसे पूर्ण रूप से तो इस काल में नहीं होती। लेकिन वो आंशिक भी बड़े विचित्र थी। बातें बहुत सारी याद आती हैं गुरु महाराज की कृपाओं से जो सुने। हमारे एक संत थे, उनका नाम खुशी राम था, उसे खुशिया कहा करते, बड़े संत, मैं तो वंदना करता हूँ ऐसे महापुरुष का नाम। सरल थे, सीधे थे, बिल्कुल सरल आत्मा थे। कहीं से कोई घर में से कोई भाई आता, हमारे साहब कृपा कर दो, चरण डाल दो, हमारे शादी है, हमारे अमुक मंगल कार्य है, गृहस्थ चाहते हैं भी संत के चरण पड़ जाएं, आशीर्वाद मिल जाए, हमारा काम मंगल से हो जाए। बंधु हो बड़े संत थे, और बड़े संत क्या कहा, खुशिया जा भाई इनके, वो सरल सादे थे, तहत महाराज पात्र ले चले जाते, ले आते, आपको अब इसमें क्या सुना दिया आपने, होगी बात, जाके हार तो लाते हैं साधु, आगे तो सुन लो। कई बार कई भाई कहते बड़े महाराज साहब कृपा कर लेते, वो जो बता दिया ना खुशिया को ले जाओ, बड़े संत कहते बता दिया ना खुशिया को ले जाओ। भाई लोग थोड़ा सा भाई बड़े संत चल पड़े, बड़े महाराज चल पड़े, खुशिया को ले जाओ। खुशी राम जी का जब स्वर्गवास हो गया, संतों ने दुख माना, आप कुआरा ध्यान तो साधु ने करना नहीं, मैं क्यों कुआरा ध्यान कराना ना, पर इतनी तो स्थिति नहीं होती भाई महसूस ना हो, महसूस हो। एक भाई था उसका नाम कपूर चंद था, वो बोले महाराज आप भी महसूस करो, आप तो सारे सबको समझाते हो, हम गृहस्थों को बता, आप भी महसूस करो। बोले भाई खुशिया चला गया, हमारा साधु था, बड़ा सेवा भावी था। बोले फिर मन में आया, ओ कपूरा मैं बड़ों की बात बता रहा हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को ऐसे बोल लूँ, ओ कपूरा तुम्हें क्या पता है, इस खुशिया में लब्धि थी, हम इसको इसलिए भेजा करते, ये जिसके से हर पानी ले आता था ना, जिसके यहां से कोठे में से, उसको एक उदाहरण नहीं ला सकते कि कोठे में कमी पड़ गई हो, हम इसलिए भेजा करते इस खुशिया को। लोग तो कहते बड़े महाराज जी को, बड़े संत को जी आप कर कृपा मंगल, बोले हमें पता था, हमें पता था ये। बोले ये थारे भले की चाबी थी, ये कहा उन्होंने, ये तुम्हारे भले की चाबी थी, ये जिसके यहां से ऐसे उस पर बेचते इसको जावे खुशिया तू जा, जहां से ले आता, बोले एक उदाहरण बता दो फलाने की कमी पड़ गई। बोले जी आपने पहले क्यों नहीं बताई ये बात, हमारे बोले हम खुशिया के पांव को खुरच के ले जाते अगर पहले बता देते, हम अगर हम पहले बता देते, हमें पता था खुशिया में ये विशेषता है, जहां से ये हार ले आएगा उनका कमी नहीं, इसीलिए भेजा करते खुशिया। बोले खुशिया ऐसी चीज थी,
ये आंशिक रूप में ये लब्धियां अब भी पाई जाती हैं। अब जब खुशी राम थे तब तो सादा सा साधु था, लेकिन अब पता है ना, मुझे मैं बता रहा हूं या आप सुन रहे हो, और बड़ों ने बताया कि खुशी ऐसा था, पता नहीं होता कौन कैसी माया, कैसी विचित्र चीज है, कौन क्या है। बंधुओ, ये आत्मलब्धियां व्यक्ति की साधना से होती। इन लब्धियों में एक लब्धि वचन सिद्धि भी है। ऐसा महापुरुष जिसको ये उत्पन्न हो जाए तो वो जो भी कुछ कहता है सहज भाव से, ये नहीं मैं कह रहा हूं ना ना, जो कुछ कहते हैं वो वही वही होता, कोई समझे ना समझे, कोई तो सरल था चलो भी महाराज ने कह दिया, नहीं नहीं मामला होता है इसके पीछे, कोई ना कोई बात होती है। पर अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि ये इतना आसान भी नहीं है यूं ही हो जाना। बंध हो, एक ग्रंथ है जिसका नाम कुलार्णव तंत्र है। तंत्र का नाम लेते एकदम से होता तांत्रिक, हाँ जी तांत्रिकों का ग्रंथ है, नाम है कुलार्णव तंत्र, तांत्रिकों का ग्रंथ है, तंत्र सिद्धि का। कुलार्णव तंत्र में कहा जिह्वा दग्धा, जिह्वा दग्धा परान्नेन, जिसकी जीव झूठ बोलकर और बेईमानी का अन्न खाकर दग्ध जली नहीं है। कुछ बात कह दी यहां, झूठ बोलने से वो कहते हैं जीभ जलती है, आप कहोगे जलने लग जाए सारे दुनिया ना सुधर जाए, पर सुन लो जो कहा मैं तो वही बता सकता हूं, बात तो ठीक है, झूठ बोलने से अगर जीभ जलने लग जाए दुनिया सुधर जाए, पर कुलार्णव तंत्र में कहा मिथ्या बोलने से और बेईमानी का अन्न खाने से जिसकी जीभ जली नहीं है। और क्या बात कही, करो दग्धव प्रतिग्रहात, जो पाप कर्म से हाथ जला नहीं है, हाथ से पाप नहीं किया जिसने, मनोदग्धम परिस्त्रीधि कथम सिद्धिर वरान, जिसके नेत्र दग्ध नहीं हुए विषय और विकारों को देख करके, वह साक्षात सिद्ध होता है, साक्षात होता हो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष जिसका जीवन ऐसा हुआ है, साक्षात सिद्ध पुरुष हुआ करता है, ऐसा ऐसी बात और ऐसी अद्भुत स्थिति है यह। बंधु कुछ और भी बता दो, जीव और सिद्ध, जीव और सिद्ध, जीव सिद्ध के अविकसित दशा है, समझ लो, जीव सिद्ध के अविकसित दशा है और सिद्ध जीव की विकसित दशा है। अब जो साधना करता है उस जीव की, उस जीव का विकास होता है, और विकसित दशा होने के बाद वह बंधुओं फिर वो सिद्धि की स्थिति में चला जाता है, सिद्ध पुरुष हो जाता है। जो कुछ सहज वचन सिद्धि है तो जो कहा वही होगा, कुछ और कृपा हुई वही होगा, कितनी तरह की बातें हैं। अगर उसने स्पर्श कर दिया बीमार का, रोगी का, ऐसे ही हो गया काम, आपने सोचा कोई मर जाए थपकी देगे, थपकी नहीं देगे, पता नहीं क्या हो गया, जिसके भीतर में ऐसी कोई स्थिति होती है कि मामले मालूम, मामूली से नहीं है ये, सहज से नहीं है, हो गया काम उसका। और बंध हो, उसके तो शरीर से स्पर्शित होकर के हवा अगर किसी रोगी और दुखी को जा करके लग गई, हवा थी बहती छू करके चलेगी वहां तक चले गई, उसका तो रोग चला गया। शब्द आते हैं खेलो सही पत्ताणंग, जलो सही पत्ताणंग, सबो सही पत्ताणंग, शब्द आते हैं, ये कैसी कैसी सिद्धियां हैं उनकी, पसीना आ गया वो भी अगर किसी को लग गया छू गया वही ठीक हो गया। ये अभी भी इस तरह की
बातें कहीं न किस रूप में कैसे, अब हम तो वंदन ही कर सकते हैं भावों से, धन्य हो ऐसे पुरुषों को जिनकी साधनाएं इतनी ऊंची हैं और इतनी महान हैं। गुरु योगिराज की कुछ बात कर रहा हूं, आप ही देखेंगे क्या था और क्या बात थी। थोड़ी सी पूज्य गुरुदेव योगिराज जो फरमाते, ऐसा नहीं था कुछ वो यूं भी मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, कुछ कह रहा हूं, सहज भाव से, कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि भी इनको थोड़ा सा भी अपने बड़पन का, साधना का कोई भाव, कोई आम कुछ हो, कुछ सहज। अब उनकी बात कुछ वचन सिद्धियों के बताता हूं। जीन नगर में गुरु महाराज विराजमान थे, चतुर्मास काल था, रात में 10-15 भाई आते थे, कुछ धर्म चर्चाएं भी हो जाती, कुछ गुरु महाराज कोई बात भी सुना देते बड़े संतों की, या कोई प्रसंग होता शास्त्रों के भी ऐसा आया, समय होता मंगल सुन के चले जाते। आने वालों में एक भाई थे, उनका नाम लाला मोतीराम था। जब मंगली सुना देते भाई नंबर से दर्शन कर चले जाते, मोतीराम ने वंदना की। वे आते थे मंडी से, स्थानक था शहर में, थोड़ा फासला था, बुजुर्ग भी थे। उन्होंने वंदना की और बोले, मोतीराम हमारा भाई जरा देख के जाना। तैत गुरु महाराज वंदना करे, स्थानक से बाहर आते आते लाला जी ने अपने मन में कहा, आज महाराज ने कहा देख के जाना, ये क्या बात कही, आज तक कभी नहीं कि देख के जाना, ठीक है रात होती थी सब देख के जाना। लाला जी टॉर्च लेके आते थे, क्योंकि दूर था, स्ट्रीट लाइट का ऐसा ही कहीं थी कहीं नहीं थी, महाराज ने कहा भी देख के जाना। सोचते रहे, ख्याल यही रहा भाई क्या बात, ये ठोकर ठाकर से बचना होगा और तो क्या हो सकती बात, कुछ नहीं। रास्ते में एक मोड़ पर मकान था, उसका चबूतरा था, कई बार लाला जी थक सा जाते तो कुछ पल वहां विश्राम कर लेते बैठ के, तो उसी भाव से उनके पांव उस चबूतरे की तरफ गए, दिमाग में था भाई जरा देख के जाना। लाला जी ने बैठने के लिए अपनी पीठ घुमाई, चबूतरे पे बैठने लगे, वो बात फिर ख्याल में आ गई देख के जाना, लाला जी ने टॉर्च लगा ली वहां, ओ काला नाग बैठा पसरा हुआ, जहां लाला बैठते थे उस जगह पर काला नाग पसरा हुआ। लाला जी के हाथ से तो टॉर्च भी छूट गई, सामने काला नाग बिल्कुल पास, बस पल भर के बाद बैठने लगे थे, वो बात याद आ गई देख के जाना, एकदम पीछे हटे। बड़े बचे भाई, टॉर्च उठाई लाला जी तो फिर अपने चल दिए घर को। सवेरे आए, गुरु जी बड़ी कृपा करी भजा दिए, वो तो मेरी याद आ गई, आपने कहा था भाई देख के जाना, बस मेरे को बात याद आ गई, मैं रास्ते पर सोचता रहा क्या बात हो, इसका क्या मतलब हुआ देख के जाना, आज तक कभी नहीं कहा और आज कहा गुरु महाराज ने देख के जाना, और अगर बस इतनी बात थी मैं तो बैठ ही रहा था बस वहां, और उसके ऊपर ही बैठता मैं, आप सोच सकते, उसके बाद कभी नहीं कहा, किसी को नहीं कहा, उसी का नाम लेके कहा, मोतीराम भाई जरा देख के जाना। हो सकता मन ये कहे होगी बाय चांस, उन्होंने कह दिया होगा बाय चांस होगी होगी, ये घटना हो तो कह देंगे बाय चांस होगी होगी, हमारी भी हो जाती है आपकी भी हो जाए बाय चांस के बाद, सारी बातें बाय चांस कैसे हो जाएंगी। हम थे मीनगर सराय में, हाँ जी सराय वाले, हाँ जी जी बैठे हैं जी बाबू जी साहब, पुराना स्थानक था, अब तो आप लोगों ने नया स्थानक बना लिया, बड़ा भव्य पुराना स्थानक था, गर्मियों के दिन थे, ऊपर तपन सी हो जाती थी, तो सुबह दोपहर का हार करके हम संत नीचे आ जाते थे, फट्टा था, मैं गुरु महाराज का आसन लगा देता, फट्टा ऐसी जगह था कि वहां जैसे ये वाला हॉल है, इसके साथ इधर कमरा है, एक उधर कमरा है, इधर से आने जाने वाले होते थे, तो मैं पट्टा ऐसे लगा हुआ था, जैसे ये पट्टे लगे हुए, इसके पीछे था दरवाजा, मैं वहां दरवाजे में वहां आसन लगाता था उनके पास में,
इधर से लोग दर्शन कर ले, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और मेरे को कोई सेवा का काम हो तो मैं पास होता था। दिन का समय आर के बाद विश्राम गुरु महाराज लेट गए, मैंने अपना आसन लगा लिया, मैं भी अपना लेट गया, बात भी कर लेते दादा पोते का मामला कुछ, वो मेरे कोई प्रेरणा होती बात होती कह देते। उस दिन मैं बोला मगुर महाराज अगर आप कहो तो आपका पट्टा कल से इस वाले कमरे में लगा दूं जिसके अंदर मैं लगा। बोले क्यों क्या बात? मैं कहा इसमें ठंडक है और यहाँ हॉल में जो है ना इतनी ठंडक नहीं, इसमें ठंडक है, इसमें लगा दूं। और तो कुछ कहा नहीं। बोले तो ठंडक के ज्यादा चक्कर में मत रहा कर, और तो कुछ कहा नहीं। बोले तो ठंडक के ज्यादा चक्कर में मत रहा कर, जहां ठंडक होते ना वहां सांप आ जाता है। मैं बोला माजे सांप कहां से आएगा, तीन तरफ से बंद आएगा तो आपकी तरफ से आएगा, ऐसे ही बस जितनी समझ आएगा तो आपकी तरफ से। बोले कुछ नहीं पता होता तो अपना ध्यान से आया कर, कुछ नहीं मेरे को इतना कहां ज्ञान, जो भी क्या कह रहे हैं कुछ।